ये है तस्वीरें प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के दौरान पांचवें स्नान की। और बता दें कि आज माघी पूर्णिमा का स्नान है, तो माघी पूर्णिमा स्नान के दौरान तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जो कि आप हमारे साथ देख पा रहे हैं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी दुकान जी है, अंतर्राष्ट्रीय मूछ नृत्य कलाकार, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जूनो अवार्ड और प्रयागराज नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर। सर कॉलेज से और फिर उसके बाद हम लोग को मेला में ट्रेनिंग दी गई है, तब हम लोग को यहाँ पे ड्यूटी पे लगाया गया। उसका क्या काम है आप लोगों का? सर हम सब लोग का जैसे हमारी गर्ल्स में चेंजिंग रूम में ड्यूटी लगाई गई है, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग वहीं पे नहा लेते हैं और वहीं पे चेंज करते हैं, तो हम सब लोग को उधर उनको भेजना होता है वीडियोज़ वगैरह जो लोग बनाते हैं। बॉयज़ का काम है सारे लड़कों का कि उन्हें मना करना। और तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा दी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के दशगत RAF के जवान यहाँ पर तैनात हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी सक्रियता से यहाँ पर ATH के जवान और अपनी अपनी ड्यूटी में काफ़ी तन्मयता से साथ देते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आर के निषाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक News 24। बता दें कि आज हम फिर से मौजूद हैं प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के पांचवें स्नान यानी कि माघी पूर्णिमा के स्नान की तस्वीर दिखाने के लिए। आइए लेकर चलते हैं आप लोगों को, माहौल दिखाते हैं प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के पांचवें स्नान यानी कि माघी पूर्णिमा के स्नान का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो श्रद्धालुओं की भक्तों की जो भीड़ है आस्थामानों की वो कुछ इस कदर है। बता दें कि ये पांचवा स्नान है प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 का, ये पांचवा स्नान है, पांचवें स्नान का कुछ ऐसा माहौल है तो आप देख पा रहे हैं। बता दें कि आज माघी पूर्णिमा का स्नान है, निरंतर यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर आती दिखाई दे रही है, और जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आपको आते दिखाई दे रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा लोग यहाँ से आस्था की डुबकी लगाकर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो तस्वीरें हम आपको प्रयागराज में चल रहे हैं माघ मेला 2023 के पांचवें स्नान यानी कि माघी पूर्णिमा के स्नान की दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। और इधर की बात करें तो ये आप देख लीजिए संगम क्षेत्र का जोन है, इधर भी आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की और जो आस्थावानों की भीड़ है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। निरंतर लोग बाग यहाँ पर आते जाते दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख पाएंगे काफ़ी भीड़ है यहाँ पर श्रद्धालुओं की भक्तों की। ये है माहौल और ये है नज़ारा प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 का। ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 की दिखा रहे हैं। ये है तस्वीरें प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के दौरान पांचवें स्नान की। और बता दें कि आज माघी पूर्णिमा का स्नान है, तो माघी पूर्णिमा स्नान के दौरान तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जो कि आप हमारे साथ देख पा रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर श्रद्धालुओं को भक्तों का हुजूम देखा जा रहा है। तो यहाँ से तस्वीरें आप देख पाएंगे, ये आप देख पा रहे होंगे काफ़ी श्रद्धालुओं की भक्तों की आस्थावानों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि आप इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे हैं। बता दें कि आज प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 का पांचवा स्नान है। और इधर आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि दूर दराज से जो आने जाने वाले श्रद्धालु हैं पर्यटक हैं कुछ इस तरह से नौका विहार करते नज़र आ रहे हैं त्रिवेणी संगम में जो कि आप इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के पांचवें स्नान यानी कि माघी पूर्णिमा की दिखा रहे हैं। निरंतर लोगों की आस्थावानों की जो चहल कदमी वो यहाँ पर बनी हुई है तो आप देख पा रहे हैं। बता दें कि आज हम प्रयागराज में चल रहे हैं माघ मेला 2023 के दौरान त्रिवेणी संगम पर मौजूद है, त्रिवेणी संगम से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें कुछ ऐसी हैं, तस्वीरें कुछ ऐसी हैं ये आप हमारे साथ देख पा रहे होंगे। बता दें कि आज पांचवा स्नान है माघ मेला 2023 का यानी कि माघी पूर्णिमा के दौरान की जो तस्वीरें हैं वो आप हमारे साथ इस वक्त देख पा रहे होंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी यहां पर काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है, ATS के जवान तैनात हैं तो ये आप देख पा रहे होंगे। और वहीं पर RAF के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं और निरंतर अपनी मुस्तैदी बनाए हुए हैं। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। और बता दें कि जो तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के पांचवें स्नान की है। निरंतर श्रद्धालुओं की भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर आती जाती दिखाई दे रही है।
और तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा दी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के दशगत आरएएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स एटीएस के जवान और वहीं पर आरएएफ के जवान यहां पर तैनात हैं और निरंतर मुस्तैदी बनाए हुए हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसी है तस्वीरें, प्रयागराज में चल रहा है माघ मेला 2023 के पांचवें स्नान की। बता दें कि आज माघ मेला 2023 का पांचवा स्नान है, यानी कि माघी पूर्णिमा का स्नान। तो ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें कुछ ऐसी हैं माघी पूर्णिमा स्नान के, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर निरंतर लोगों की जो चहलकदमी है वो बनी हुई है, निरंतर लोग बाग यहाँ पर आते जाते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि आज माघी पूर्णिमा का स्नान है, यानी कि प्रयागराज में चल रहा है माघ मेला 2023 का पाँचवा स्नान माघी पूर्णिमा का। तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जो आप इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे होंगे, काफ़ी लोगों की चहलकदमी, काफ़ी लोगों की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है, ये आप देख पा रहे होंगे। और बता दें कि ये जो तस्वीरें आप हमारे साथ देख पा रहे हैं ये त्रिवेणी संगम की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सारी नौकाएं वगैरह हैं जो कि आप इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे हैं। बता दें कि आज माघी पूर्णिमा का स्नान है, यानी कि प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के पाँचवें स्नान माघी पूर्णिमा का स्नान का। तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जो आप इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे हैं। बता दें कि काफ़ी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की भक्तों की देखी जा रही है जो आप इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे हैं। कुछ ऐसा है नज़ारा, कुछ ऐसा है माहौल प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के पांचवें स्नान का और आज माघी पूर्णिमा का स्नान है। तो तस्वीरें कुछ ऐसी हैं, बता दें कि जो आज हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के पांचवें स्नान की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि गंगा सफाई अभियान के तहत ये सर हैं, किस तरह की इनका वेशभूषा है आपसे बातचीत करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी दुकान जी है, अंतर्राष्ट्रीय मूछ नृत्य कलाकार, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जूनो अवार्ड और प्रयागराज नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर, मेला के भी स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर। आज मैं प्रयाग की पावन भूमि में जो माघी पूर्णिमा का स्नान चल रहा है, माँ गंगा को प्रदूषण से बचाए रखने के लिए मैं रूप धर के स्लोगन लिख के लोगों से निवेदन करता है कि माँ गंगा को प्रदूषण से बचाना है। माँ गंगा में माला फूल, हवन सामग्री या अन्य कोई सामग्री न डालें जिससे माँ गंगा प्रदूषण से मुक्त रह सकें, पूरे मेला क्षेत्र को साफ स्वच्छ बनाए रखें। इसीलिए मैं इस रूप में यमराज के रूप में लोगों से निवेदन करता हूँ कि गंगा में ना स्नान करते समय कपड़ा न धोएं, मंजन न करें, कुल्ला न करें, क्योंकि माँ गंगा में आप पाप धोने आए हैं और उसमें पुण्य को लेके आप जाएंगे। इसलिए माँ गंगा को प्रदूषण से बचाना है, क्योंकि माँ गंगा चिल्ला के कह रही हैं, प्यारे भक्तों अगर आप लोग इसी तरह हमारे ऊपर प्रदूषण करते रहेंगे तो मैं एक दिन इस धरती से चली जाऊंगी और तुम दो बूंद अमृत जल के लिए तरस जाओगे। तो ये आपने सुना, इन्होंने महाकाल का वेशभूषा धारण करके कुछ इस तरह से लोगों को मैसेज, लोगों को संदेश देते नजर आ रहे हैं। बता दें कि तस्वीरें हम आपको प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के पांचवें स्नान, इनकी माघी पूर्णिमा स्नान की दिखा रहे हैं। तो इनको जो है नगर निगम की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और साथ ही इनके कितने सारे रिकॉर्ड हैं वो इन्होंने व्याख्यान किया, तो आपने सुना। और बता दें कि इन दिनों ये प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के पांचवें स्नान मौजूद है, लोगों को मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं कि गंगा सफाई अभियान के तहत जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है, जिस तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से निरंतर लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, गंगा को साफ सुथरा रखनी चाहिए, गंगा को मैली नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से ये लोगों को सचेत करते नजर आ रहे हैं तो उसके हिसाब से इनका कहना यह है कि प्रयागराज में चले माघ मेला 2023 के दौरान जितने भी श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं वो गंगा में साबुन ना लगाएं, तेल शैम्पू साबुन ना लगाएं और साथ ही कपड़े वगैरह ना धोएं, है ना। तो इस तरह के मैसेज न डालें, क्योंकि मूर्तियां जो लोग दिवाली के दिन गंगा गणेश लक्ष्मी की पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद उस मूर्ति को लाके गंगा जी में फेंक देते हैं, गंगा प्रदूषण नहीं है, गंगा में कोई गंदगी नहीं है, लेकिन उस गंगा में हमारे अंदर जो गंदगी है वो गंदगी को हम उसमें डालते हैं, क्योंकि गणेश लक्ष्मी के मूर्तियों में केमिकल्स लगा रहता है, वो केमिकल जब गंगा साफ करने वाली
मछलियाँ खाती हैं तो वो मर जाती हैं। मैं उनको माला फूल हवन सामग्री न डालने के लिए इसलिए कहता हूँ कि पहले गेंदा का फूल और गुलाब का फूल 15 दिन में 2-4 ठो पेड़ में खिलते थे, आज एक हफ्ते में 10-10 गेंदा फूल खिल रहे हैं, क्योंकि वो केमिकल से सींचा जा रहा है। वो केमिकल से खींचे हुए फूल जब गंगा जी में जाते हैं, उस फूल पत्ती को जो वहाँ गंगा के अंदर जीव जंतु हैं वो खाते हैं इस और वो मर जाते हैं। इसलिए गंगा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसलिए नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपने कार्य कर रहा है, उसी तरह मैं लोगों को घूम घूम कर जागरूक कर रहा हूँ। तो ये अपने सुराह और इनके साथ कुछ सहयोगी लोग भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आप साथ में हैं सर? जी सर, मैं जितेंद्र राय सेक्टर वार्डन पोस्ट 10 सिविल डिफेंस हूँ जी। और हम लोग सब मिल करके जो है गंगा प्रदूषण से सबको जागरूक कर रहे हैं, और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कोई मतलब अराजक तत्व तो किसी प्रकार का जो है गंदगी न फैलाए, किसी प्रकार किसी से बदतमीजी न हो, और लोगों को चोरी चमारी से जो है बचाने के लिए हमें यहाँ पर तैनात किए गए। तो क्या देखने को मिल रहा है, जिस तरह से माघ मेले के 4 स्नान सकुशल संपन्न हुए, आज 5वां स्नान है माघी पूर्णिमा का, तो जो तस्वीरें इस वक्त आप सामने देख पा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात करें तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर मौजूद है? सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पूरा पुख्ता मौजूद है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, सिविल डिफेंस के लोग भी वॉलेंटियर यहाँ लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पर यात्रियों को जो सहयोग की ज़रूरत पड़ती है वो सहयोग किया जाता है। किसी को भूले भटके हों तो उनको जो है उनके स्थान पर गंतव्य स्थान पर पहुँचाया जाता है। यही काम सिविल डिफेंस और प्रशासन मिल के कर रही है। और साथ ही एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जगह जगह पर यहाँ पर महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए कैंप बनाए गए हैं, लेकिन वहीं पर कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं कि जो अभद्रता दिखाती नज़र आ रही हैं, खुले स्थानों पर जो है वस्त्र बदलती नज़र आ रही हैं, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं पूरे माइक से चिल्ला चिल्ला के जिस तरह से आप आवाज़ सुन रहे हैं वो कि लोग भूले भटके में लोग भटक जा रहे हैं, मैं लोगों से भी ज़ोर ज़ोर से यही निवेदन कर रहा हूँ, जो आपके साथ साथी आए हुए हैं उनका विशेष ध्यान धरें और बच्चों का विशेष ध्यान धरें। महिलाओं के लिए प्रशासन ने पूरे तौर से नहाने के बाद कपड़ा का चेंज रूम भी बनाया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उसमें जाके खुले तौर पे हम कहते हैं कि बाथरूम भी कर देते हैं, लेट्रिन भी करते हैं, ये एक शोभा नहीं है। इसलिए क्योंकि ये गंगा की पवित्र भूमि है, इसलिए मैं लोगों को घूम घूम कर ये शब्द कहता हूँ। चलिए ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ तस्वीरों में, आइए लेकर चलते हैं, अभी इनको दिखाते हैं कि किस तरह से ये लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, किस तरह से ये लोगों को मैसेज देने का काम कर रहे हैं। बता दें कि ये नगर निगम की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो अभी ये हमारे साथ चल रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो है आमतौर पर लोगों को समझाते नजर आ रहे हैं, तो ये आप हमारे साथ देखेंगे। जी आप देख लीजिए, महाकाल अभी तटवर्ती इलाके पर पहुंच चुके हैं और ये जो है अभी लोगों को समझाने का और बताने का काम कर रहे हैं गंगा सफाई अभियान के तहत। और बता दें कि इनको नगर निगम के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है गंगा स्वच्छता मिशन के तहत। आइए नहा के आप जाइए। तो महाकाल जी अभी तटवर्ती इलाके पर पहुंच चुके हैं और वहीं पर महिलाओं को और लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप हमारे साथ देख पा रहे हैं, बता दें कि आज प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के दौरान 5वें स्नान की तस्वीरें हैं जो आप हमारे साथ इस वक्त देख पा रहे हैं। बता दें कि सकुशल संपन्न होता दिखाई दे रहा प्रयागराज में चल रहा माघ मेला 2023 का 5वां स्नान, यानी कि माघी पूर्णिमा का स्नान। तस्वीरें कुछ ऐसी है, माहौल कुछ ऐसा है जो आप इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे होंगे। बता दें कि यहाँ पर निरंतर श्रद्धालुओं की आस्थावानों की भक्तों की भीड़ यहाँ पर बनी हुई है, निरंतर लोग बाग यहाँ पर आस्था के अधीन माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बता दें कि तस्वीरें हम आपको प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के दौरान 5वें स्नान यानी कि माघी पूर्णिमा स्नान की दिखा रहे हैं। तो आपने देखा था कि यहाँ कैसा माहौल है, कैसा है नज़ारा, निरंतर श्रद्धालुओं की आस्थावानों की भक्तों की भीड़ यहाँ पर बनी हुई है। बता दें किन दिनों प्रयागराज में माघ मेला 2023 संचालित हो रहा है और आज माघ मेला 2023 का 5वां स्नान यानी कि माघी पूर्णिमा का स्नान। तो यहाँ पर आपने देखा कि सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम यहाँ पर किए गए काफ़ी पुख्ता इंतजाम है, वहीं पर ATS के जवान, RAF का जवान और वहीं पर पुलिसकर्मी भी निरंतर अपनी मुस्तैदी बनाए हुए हैं। और साथ ही बता दें कि अलग अलग विद्यालयों से आए कुछ इस तरह के बच्चे जो है निरंतर अपनी मुहिम चला रहे हैं, जैसा कि कोई अश्लील वीडियो ना बनाए, और साथ ही जो चेंजिंग रूम है उसका माहौल क्या है वो सारी चीज़ें
ये लोग मैनेज करते हैं, साथ ही लोगों को मास्क वितरण करने का काम कर रहे हैं। तो आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। दरअसल इन लोगों का जो मुख्य काम है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो है क्या? क्या नाम हुआ बेटा? सर तनु अग्रवाल। कहाँ से हैं? सर शंभुनाथ कॉलेज से। शंभुनाथ कॉलेज से। तो क्या कॉलेज की तरफ से आप लोगों को लगाया गया या फिर मेला विकास प्राधिकरण प्रयागराज के द्वारा? सर कॉलेज से, और फिर उसके बाद हम लोग को मेला में ट्रेनिंग दी गई है, तब हम लोग को यहाँ पे ड्यूटी पे लगाया गया। उसका क्या काम है आप लोगों का? सर हम सब लोग का, जैसे हमारी गर्ल्स में चेंजिंग रूम में ड्यूटी लगाई गई है, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग वहीं पे नहा लेते हैं और वहीं पे चेंज करते हैं, तो हम सब लोग को उधर उनको भेजना होता है। वीडियोस वगैरह जो लोग बनाते हैं, बॉयज़ का काम है सारे लड़कों का कि उन्हें मना करना। बहुत सारे बॉयज़ की बैरिगेटिंग में ड्यूटी लगी है, खोया पाया केंद्र में कुछ की ड्यूटी लगी है, तो इसी तरह सारे बच्चों को बांटा गया है अलग अलग सेक्टर में। बहुत सुंदर बात इन्होंने कही, बता दें कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। निरंतर जो आने जाने वाले महिला श्रद्धालु हैं वो खुले में वस्त्र बदलती नजर आ रही है, तो एक प्रकार से उनकी लापरवाही है, और ऐसे लोगों को जो है ये लोग समझाने का काम करती, क्योंकि ये खुद एक महिला हैं, तो क्योंकि महिलाओं को सिर्फ महिलाएँ ही समझा सकती हैं। और एक और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ बेटा? मनीषा वर्मा। कहाँ से? मनीषा से। शंभुनाथ से। आप भी? हाँ। मुख्यतः क्या काम है आपका? हम लोग का भी वही काम है कि चेंजिंग रूम पे देखना और कोई वीडियो ना बनाए चेंज करते हुए लोगों की, जैसे कि 100 मीटर की दूरी पे स्नान घाट से कोई वीडियो और फोटोज नहीं ले सकते। अगर तो लोग समझाने का काम करते हैं तो लोग बाग मानते हैं? हाँ, कुछ लोग मानते हैं, और वही कहते ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ लोग मानते भी कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन समझाना पड़ता है, वो हमारा काम है। प्रयास आप लोगों का बहुत अच्छा है। क्या नाम हो भैया? मेरा नाम निखिल सिंह है, मैं भी शंभुनाथ से हूँ, और मेला प्राधिकरण से ड्यूटी लगाया गया है कि जैसे लोगों को पता नहीं है कहाँ जाना है, किधर से कौन सा रास्ता है, तो उनको बताने का काम करते हैं, और हमारी ड्यूटी बैरिकेडिंग में लगी है। और जैसे लोग की गलत लाइन में चले जाते हैं, वापसी वाले में जा रहे हैं, तो उनको समझाते हैं कि आप इधर से नहीं, इस रास्ते जाइए, इससे आपको जल्दी संगम पहुंच के स्नान करके आप वापस हो जाएंगे। और फिर हम लोग घाट पे भी घूमते हैं, कुछ लोग फोटो खींचते हैं घाट पे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो अपना कपड़ा कुछ चेंज करती हैं, कुछ पुरुष चेंज करते हैं, तो लेकिन फोटो जो खींचते हैं तो हम लोग मना करते हैं कि फोटो मत खींचिए, क्योंकि ये सबकी बहन बेटियों का सवाल है, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। यही हम लोग अवेयरनेस यहाँ फैला रहे हैं और सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे मामले ऐसे आए जिससे मामलों में देखा गया कि आमतौर पर कुछ लोग बाग जो उद्धन टाइप के अराजक टाइप के लोग हैं वो गोपनीय तरीके से वीडियो बनाते दिखाई दिए, वैसे में ये लोग एक बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं। और बता दें कि ये शंभुनाथ सिंह कॉलेज की तरफ से हैं, और ये लोग जो है निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं। बच्चे हैं वहीं पर, जो जागरूक बच्चे हैं वो आमतौर पर जो यहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, दार्शनिक लोग हैं, उनको भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ बेटा? मेरा नाम आराध्या गुप्ता है, मैं भी शंभुनाथ से ही हूँ। मेरी ड्यूटी जो है चेंजिंग रूम के पास ही लगी है। मेरी ड्यूटी ये रहती है कि जो घाट पे लोग चेंज करते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं, महिलाएं चेंज करती हैं, उनको ये मना करना रहता है कि आप जाइए चेंजिंग रूम में चेंज करिए, क्योंकि वो लोग बाहर करती रहती हैं, लोग फोटोज़ वीडियोज़ बनाते रहते हैं उनकी, तो ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरा ये भी काम रहता है कि जैसे बहुत से लोग हैं वो चेंजिंग रूम को फाड़ वाड़ देते हैं, तो उनको मना करना रहता है कि आप ये सब काम मत करिए, उधर इर्द गिर्द मत घूमिए, तो यही सब काम रहता है जो मना करना रहता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो माने और उनको भेजते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सुमित तिवारी। हम भी शंभुनाथ से ही हैं। यही कर रहे हैं आप भी? हम लोग ड्यूटी में ऐसी भी रहती है कि जैसे कि यहाँ पे लोग आते हैं चोरी करने, चोरी की ज़्यादा से आते हैं, इन लोगों को पकड़ना, और भोले भटके सिंह में जो बच्चे घूम जाते हैं इनको ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे पहुँचाना। बहुत सुंदर है ये सब हमारा। ये आपने सुना, ये बच्चे विद्यालय परिसर से हैं, और बता दें कि ये लोग निरंतर एक मुहिम चला रहे हैं, जिस तरह से माघ मेला में दूर दराज से अनंत जिलों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग शहरों से लोग बाग चलकर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए मौजूद है, तो वहीं पर ये लोग जो है लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, उनको सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं, और साथ ही चोरी को रोकने के लिए और खोए हुए जो खोया पाया केंद्र है, यानी कि भूला बिसरा जो केंद्र है, उसका भी ये लोग काफ़ी सहयोग करते हैं। साथ ही यहाँ पर वस्त्र जो बदलने का जो केंद्र है, वहाँ पर जो कुछ ऐसी लापरवाही करती हुई जो महिलाएं हैं जो खुले में वस्त्र बदलते हैं, उनको भी समझाने का काम करती हैं, लोगों का बहुत अच्छा प्रयास है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकर चलते हैं और तमाम उन सारी गतिविधियों का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे कि बता दें कि आज माघ मेला 2023 का 5वां स्नान है, यानी कि माघी पूर्णिमा का स्नान, तो दिखाते हैं कि क्या क्या तस्वीरें हमारे सामने देखने को मिल रही है। वहीं पर किसान नेताओं की भी यहाँ पर उपस्थिति आप देख पाएंगे, निरंतर बनी हुई है। आपके साथी आशीष राव।
बता दें कि इन दिनों प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के दौरान ये रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ऊँट भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। लोग बाघ इसमें सवारी करते नजर आते हैं, वहीं पर लोग बाघ सवारी करके काफी आनंदित महसूस होते हैं। ये भाई साहब हैं और ये ऊँट की सवारी करवाते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर? रवि सिंह। कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ कुंडा से। प्रयागराज में? प्रयागराज में सवारी कराते हैं ऊँट की। ऊँट की जी। क्या चार्जेस होते हैं? 50 रुपए दो बच्चे का। दो बच्चे जी। दो बच्चे का 50 रुपए। बड़े लोग बैठे? बड़े लोग का, एक लोग को 50। तो निरंतर सेवाएं दे रहे हैं आप लोग? जी जी। किसी भी तरह कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे सवारी कराते हैं, आराम से कराते हैं। आपको परेशान तो नहीं? कोई परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। यानी कि नो पॉल्यूशन? जी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रदूषण नहीं है इससे। और ओके सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। किसी व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक? एकदम टंच है सर। तो ये आपने सुना है भाई साहब प्रतापगढ़ से हैं और यहाँ पर ऊँट की सवारी करवाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस तरह से इन्होंने अपने ऊँट को सजा रखा। ये आप देख पाएंगे बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने अपने ऊँट को सजा रखा है। यहीं पर छोटे छोटे बच्चे इसमें बैठ कर ऊँट की सवारी करते नजर आ रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पंडित जी हैं 18 लड़के वाले दादाजी, वहीं पर हमारे साथ एक यहाँ के वायरल पंडा हैं दया प्रसाद पांडे, नीला झंडा। तो ये एक समय काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर वायरल हुए थे और यहाँ पर आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, जो दार्शनिक लोग हैं, उनको चंदन वगैरह लगाते हैं और साथ ही पिंडदान वगैरह कराते हैं। इस तरह सारे जो सिस्टम है वो करवाते हैं, तभी इनसे भी हाल माहौल जानते हैं। महाराज जी दर्शकों को बताएं परिचय अपना। भैया हम दया प्रसाद पांडे लीला झंडा से बोलते हैं और यहाँ जनता की सेवा करते हैं। 12 महीने यहाँ बैठते हैं दया प्रसाद पांडे नीला झंडा वाले, और हमारे पास दर्शनार्थी आते हैं, लेकिन हमारे पास मांग का शब्द नहीं होता है। यथाशक्ति तथा भक्ति, यथाशक्ति में टीका लगा कर संकल्प करा कर इनको भेज देते हैं। आज कौन सा स्नान? आज पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा, 1 महीने का आखिरी दिन, कल्पवासियों के लिए है, ना कि सबके लिए। सबके लिए शिवरात्रि तक चलेगा और ये मेला शिवरात्रि 18 फरवरी को ही समाप्त होगा। अच्छा अच्छा। आज पाँचवा स्नान? आज ये पाँचवा स्नान है। बड़े आराम से, बड़े प्रशासन के हिसाब से मेला संपन्न। आप लोगों को ये सुविधाएं ठीक ठाक हैं? बहुत बढ़िया, हम लोगों को खूब आनंद पूर्वक बीत गया 1 महीना। रातों दिन यही संगम पर, इसी धरती में रातों दिन पड़े रहते हैं। तो बता दें ये दया प्रसाद पांडे जी हैं जो कि यहाँ के पंडा हैं, वायरल पंडा हैं। एक वीडियो इनका वायरल हुआ था काफ़ी तेज़ी से कि 18 लड़के हैं इनके और 22 कमरे मकान। तो वो हमारे साथ हैं और अभी आप देख पा रहे होंगे चंदन लगाने का काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो काफ़ी देखा जा रहा है। दूर दराज से जो आने जाने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, दार्शनिक लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, वो गंगा स्नान करने के उपरांत यहाँ पर तिलक वगैरह लगवाते हैं, साथ ही जो पूजा से संबंधित जितने भी दान वगैरह वो करते हैं, जैसे कि गौ दान हो गया, पिंड दान हो गया, संकल्प हो गया, तो इस तरह करवाते हैं। तो ये महाराज जी जो है अपनी सेवा निरंतर दे रहे हैं। तो एक बार पुनः तस्वीरें हम आपको यहां से दिखा दें, आप देख पाएंगे निरंतर श्रद्धालुओं की, आस्थावानों की, भक्तों की भीड़ यहां पर बढ़ती दिखाई दे रही है। निरंतर लोग बाग यहां पर आते जाते दिखाई दे रहे हैं जो आप इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे हैं। बता दें कि दूर दराज से चलकर लोग बाग आते हैं यहां पर, गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जो कि आप हमारे साथ देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के 5वें स्नान का नज़ारा दिखाया, यानी कि माघी पूर्णिमा का। तो आपने देखा कि कितनी ज़्यादा ज़्यादा श्रद्धालुओं की, भक्तों की, आस्थावानों की भीड़ थी, क्या क्या गतिविधियाँ थी, तो वो सारी बातें हमने आपको आपके साथ साझा की। तो निरंतर आप लोगों को प्रत्येक स्नान की तस्वीरें दिखाते रहे। तो इस तरह से आज हमने आपको प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के 5वें स्नान यानी कि माघी पूर्णिमा स्नान की तस्वीरें दिखाई। तो आशा करता हूँ ये खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे दर्शक न्यूज 24 अपने सहयोगी आलोक के साथ, मैं आर्यन के साथ, हर खबर आप तक।